खबर कवर्धा से, जहां दो नामी नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नक्सलियों को घेराबंदी करके पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये बड़ी सफलता हासिल की है। दोनों नक्सलियों पर आपको बता दें 8 और 4 लाख का इनाम घोषित था। कोरोना संक्रमित नक्सलियों का इलाज चल रहा था, लेकिन ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। दो इनामी नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, दोनों पर, एक पर 4 लाख का और एक नक्सली पर 8 लाख का इनाम घोषित किया गया था। लंबे समय से इनकी तलाश की जा रही थी, लेकिन पुलिस को अब सफलता मिली है। घेराबंदी कर पुलिस ने नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। संतोष हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, क्या ज्यादा जानकारी, कैसे सफलता मिली है पुलिस को? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से कवर्धा पुलिस को बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि जो नक्सली है दिवाकर, वो पहले कमांडर रह चुके हैं प्लाटून क्रमांक 2 के, तो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता। वही जो लक्ष्मी है, दोनों प्लाटून कमांडर थे, तो उनको जो गिरफ्तार किया गया था मई महीने में, हालांकि कोरोना काल के समय में उनसे पूछताछ नहीं हो पाई थी, उनका इलाज चल रहा था, दोनों जो है कोरोना संक्रमित थे। तो एक बड़ा खुलासा यहाँ पर किया है कि आज एसपी शलभ सिन्हा ने खुलासा करते हुए बताया कि वहां पर जो नक्सलियों के द्वारा एक बड़ी मात्रा में साहित्य और उनसे विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। तो वो तमाम तरह के जो उनकी रणनीति थी, क्या रणनीति रही थी, ये सारे तथ्य जो है आज सामने आएगा, क्योंकि जो नक्सली है लगातार कवर्धा जिला और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में लगातार सक्रिय है। उनको लेकर के एक बड़ा खुलासा हो सकता है, चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर नक्सली लगातार 1 से 1.5 महीने तक की पूछताछ की गई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जी बिल्कुल, एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है और नक्सलियों से कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कवर्धा पुलिस को बड़ी सफलता मिली, दो इनामी नक्सली जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार किया है। और आपको जानकारी दे दें कि नक्सलियों पर, एक नक्सली पर 4 लाख का और एक नक्सली पर 8 लाख का इनाम था, जिनकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी।